आज अपन ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका पी रेशियो, पीबी रेशियो इसके जो कंपटीटर कंपनियां उससे कम है, इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ठीक ठाक है, और इसकी रेवेन्यू की बात करें तो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। इसके जो प्रोडक्ट है वाइड रेंज ऑफ वैरायटी के है, और मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में ये इंडस्ट्री आती है। आप देख सकते हो वेल्डिंग कंज्यूमर का एक काम करती है, ठीक है, जैसे कि मैनुअल मेटल इलेक्ट्रोड, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्लग वायर्स, CO2 वेल्डिंग वायर्स, मतलब ऐसे सारे काम ये करती है, ठीक है। और बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है बिग जायंट, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, शिप बिल्डिंग है, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, ऑफशोर ट्रांसपोर्ट, इन सारे इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है अपने मटेरियल्स, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इस कंपनी के आगे, ओवरऑल एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि इसको अपन बाय कर सकते हैं या नहीं। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग की अपन बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग है 48.92%, ऑलमोस्ट 49%, पब्लिक की 51.07%। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेडर्स की ये असच पब्लिक की होल्डिंग अभी बढ़ रही है कंसिस्टेंटली, जैसे जैसे प्रमोटर कुछ अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उसके बाद में पब्लिक की होल्डिंग इसमें बढ़ी। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग असच कोई बड़ी नहीं है, दोनों ही प्रमोटर पब्लिक होल्डिंग की ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा इसमें होल्डिंग है। इसकी स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करें तो कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न दे रही है स्टॉक 5 सालों में। मैं आपको बताऊं कितना शानदार रिटर्न दिया है। इसके कैपिटल को इफेक्टिवली यूज कर रही ताकि प्रॉफिट को इंक्रीमेंट हो सके। शेयर होल्डर जो फंड है उसको भी इफेक्टिवली कंपनी यूज कर रही है। वीकनेस आप देख सकते हो, एक ही वीक है कि इसमें जो नेट प्रॉफिट है फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिक्रीज हो रहा है। ट्रेड्स इसमें कोई नहीं है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। क्यों है? क्योंकि अंडर वैल्यू ग्रोथ स्टॉक है, इसके जितने भी कंपटीटर कंपनियां हैं उनके स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, इसकी कम है। मोमेंटम अच्छा है, रिकवरी शानदार होती है, और इसका पी रेशियो मैंने आपको बता दिया कम है, ठीक है। अब हम इसकी फाइनेंशियल की भी बात कर ले, उसके बाद में आपको स्टॉक पर ले चलते हैं। ओवरऑल फाइनेंशियल की अपन बात करें तो आप देख सकते हो सेप्टेम्बर 2020 क्वार्टर का जो प्रॉफिट ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है, जो पिछला प्रॉफिट तो सबसे कम हुआ इसीलिए शेयर में गिरावट रही ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम है, आप समझ सकते हो, खाली टोटल रेवेन्यू हमारा घटा है पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.2 करोड़, 1.3 वो थोड़ा सा कम हुआ है, नेट प्रॉफिट भी 1 करोड़ रुपीज का है, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल हो गया है। कंसोलिडेट की बात करें, कंसोलिडेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करें ईयरली बेसिस पर, आप देख सकते हो कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रॉफिट बिफोर एनुअल टैक्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो एज सच हम देखें तो कंपनी का जो ओवरऑल वर्किंग स्टाइल है, इसका कैपिटल है, इसकी रेवेन्यू है, वो अच्छी खासी कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रहा है। असच कोई बड़ा इसमें वीकनेस हमें देखने को नहीं मिल रही। तो हम बात करते हैं इसके चार्ट पे, आपको मैं ले चलता हूँ और चार्ट में आपको बताता हूँ कि इसका फ्यूचर प्राइस क्या हो सकता है। ये मैंने आपके सामने इसका डेली चार्ट ओपन कर रखा है, आप देख सकते हो ये जो शेयर है ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। इसने हाई लगाया था 70 रुपीज का, अभी प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 31 रुपीज का। अगर डे कैंडल यहाँ पर इसके नीचे क्लोज हो जाती है, सेकंड कैंडल भी हमारी बेरिश होती, तो डेफिनेटली हम मानेंगे कि शेयर में वीकनेस है। अगर वीकनेस आती है तो 44 रुपीज का इसका डाउन साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको डाउन साइड का बता दिया। एक और चीज अगर आप कंसिडर करोगे तो कंसिस्टेंटली ये क्या कर रही, हायर लो हायर हाई का पैटर्न बना रही है। अगर यहाँ से शेयर गिरता है और वापस अपसाइड जाता है तो 80 रुपीज का टारगेट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से इसका आ सकता है। तो अगर अपन बाई साइड की बात करें तो ये इसके ऊपर अगर ये कैंडल है बुलिश कैंडल बनती है ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो डेफिनेटली हम इसको बाई का कंसिडर कर सकते हैं। और इसका एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि बाई की कंसिडर करना चाहिए। आप RSI को देखोगे तो यहाँ पर जैसे ही आप देख सकते हो, जैसे ही RSI 30-39 के आसपास गया था, 22 रुपीज की, और हमारा स्टॉक ने हाई लगाया था उस टाइम पे, आप देख सकते हो 51 रुपीज का ऑलमोस्ट डबल लगाया था। फिर वापस जब RSI वीक हुआ था, आप देख सकते हो 70 रुपीज का इसने हाई लगाया था। फिर वापस यही कंडीशन बन रही है कि RSI वीक है। अगर जैसे ही RSI में वीकनेस मतलब ओवर
सोल्ड कंडीशन में ये शेयर आ गया है। अगर यहाँ से वापस रिवर्सल आता तो कहते हैं कि हमें 50 रुपीज से लेके 80 रुपीज तक का टारगेट लगभग 30 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। 30 पॉइंट्स आप समझ सकते हैं 50 रुपीज से मतलब 60 पॉइंट का आपको रिटर्न मिल सकता है 1 से 2 महीने में या 3 महीने में। ठीक है, ये ओवरऑल मैंने आपको शेयर का एनालाइज करके बता दिया। अगर वीकली चार्ट की मैं आपको बता देता हूँ वीकली चार्ट में क्या कंडीशन बन रही है। वीकली चार्ट में कुछ ऐसे ही, अगर आप वीकली चार्ट में देखो तो ये देखो यह हमेशा इसने यहाँ से ऑलमोस्ट हर बार रिवर्सल लिया है। देख सकते हैं अगर ये वापस यहाँ से रिवर्सल लेता तो डेफिनेटली हमें बड़ा मुंह दिखेगा। अगर आप चाहते हो मुझे इससे नीचे की लेवल पे बाय करना तो ये जो लेवल मैंने आपको दे रखा है 44 रुपीज का, ये कंसिडरेबल लेवल है, यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ से जैसे रिवर्सल आया आप देख सकते हो कितना बड़ा इसमें मूवमेंट आ सकता है। मेरा इस शेयर का टारगेट 80 रुपीज का दिख रहा है फ्यूचर में। अगर आपको बाय करना है तो पहला लेवल यही है, और अगर इसके नीचे अगर आप ये कैंडल क्लोज हो जाती है तो अभी आप वेट कीजिए जब तक ये 43-44 रुपीज के आसपास ना जाए। इसके बाद अगर वापस रिवर्सल लेता तो आपको 100% रिटर्न मिल सकता है 44 से लेकर 80 तक, आप समझ सकते हैं इतना बड़ा रिटर्न मिल सकता है। बाकी ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पज के लिए है, आपको कोई क्वांटिटी खरीदना है नहीं खरीदना आपके फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के आप खरीदिए। ये वीडियो भी एजुकेशनल पर्पज के लिए। इसी के साथ मैं वीडियो को मैं क्लोज करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 इसे लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं आपको एक बड़ा ओवरव्यू दिखाता हूँ उसके स्टॉक का खरीदने और बेचने से पहले, ताकि आपको एक ओवरव्यू आपका एक पूरा जो सेंटीमेंट है बाय और सेल का वो स्ट्रांग हो जाए। सारी चीजें मैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो को क्लोज करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।